पोनियन सेल्वन पार्ट टू। यह मूवी 28 अप्रैल 2023 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी के डायरेक्टर मणि रत्नम थे और इस मूवी के प्रोड्यूसर मणि रत्नम सुभाष करण अल रजा थे। यह मूवी ए श्रीकर प्रसाद के द्वारा एडिट किया गया था। यह मूवी मद्रास टॉकीज एंड लाइका प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा रिलीज किया गया था। इस मूवी में मुख्य कलाकार के रूप में ऐश्वर्या राय बच्चन, त्रिशा कृष्णन, विक्रम, ऐश्वर्या लक्ष्मी, कार्थी, जयम रवि थे। इस मूवी का बजट 250 करोड़ रुपए था। पोनियन सेल्वन पार्ट टू पहले दिन यानी 28 अप्रैल को इंडियन नेट कलेक्शन 24 करोड़ रुपए था। इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 28 करोड़ 45 लाख रुपए था। ओवरसीज कलेक्शन 34 करोड़ रुपए था। टोटल वर्ल्ड वाइज पहले दिन पोनियन सेल्वन पार्ट टू 62 करोड़ 45 लाख रुपए की कमाई कर चुकी थी। दूसरे दिन यानी 29 अप्रैल को पोनियन सेल्वन पार्ट टू इंडियन नेट कलेक्शन 26 करोड़ रुपए था। इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 30 करोड़ 95 लाख रुपए था। ओवरसीज कलेक्शन 16 करोड़ 60 लाख रुपए था। टोटल वर्ल्ड वाइज दूसरे दिन पोनियन सेल्वन पार्ट टू 47 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई कर चुकी थी। तीसरे दिन यानी 30 अप्रैल को इंडियन नेट कलेक्शन 30 करोड़ रुपए था। इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 35 करोड़ 50 लाख रुपए था। ओवरसीज कलेक्शन 28 करोड़ 50 लाख रुपए था। टोटल वर्ल्ड वाइज तीसरे दिन पोनियन सेल्वन पार्ट टू 63 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी थी। चौथे दिन यानी 1 मई को पोनियन सेल्वन पार्ट टू इंडियन नेट कलेक्शन 23 करोड़ 25 लाख रुपए था। इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 27 करोड़ 45 लाख रुपए था। ओवरसीज कलेक्शन 10 करोड़ 90 लाख रुपए था। टोटल वर्ल्ड वाइज चौथे दिन पोनियन सेल्वन पार्ट टू 39 करोड़ 35 लाख रुपए की कमाई कर चुकी थी। पांचवें दिन यानी 2 मई को पोनियन सेल्वन पार्ट टू इंडियन नेट कलेक्शन 10 करोड़ 50 लाख रुपए था। इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 12 करोड़ 35 लाख रुपए था। ओवरसीज कलेक्शन 10 करोड़ 30 लाख रुपए था। टोटल वर्ल्ड वाइज पांचवें दिन पोनियन सेल्वन पार्ट टू 22 करोड़ 65 लाख रुपए की कमाई कर चुकी थी। छठे दिन यानी 3 मई को पोनियन सेल्वन पार्ट टू इंडियन नेट कलेक्शन 7 करोड़ 75 लाख रुपए था। इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 9 करोड़ 15 लाख रुपए था। ओवरसीज कलेक्शन 5 करोड़ 85 लाख रुपए था। टोटल वर्ल्ड वाइज छठे दिन पोनियन सेल्वन पार्ट टू 15 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी थी। सातवें दिन यानी 4 मई को पोनियन सेल्वन पार्ट टू इंडियन नेट कलेक्शन 6 करोड़ 60 लाख रुपए था। इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 7 करोड़ 75 लाख रुपए था। ओवरसीज कलेक्शन 3 करोड़ 85 लाख रुपए था। टोटल वर्ल्ड वाइज सातवें दिन पोनियन सेल्वन पार्ट टू 11 करोड़ 60 लाख रुपए की कमाई कर चुकी थी। आठवें दिन यानी 5 मई को पोनियन सेल्वन पार्ट टू इंडियन नेट कलेक्शन 5 करोड़ 50 लाख रुपए था। इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 6 करोड़ 50 लाख रुपए था। ओवरसीज कलेक्शन 1 करोड़ 90 लाख रुपए था। टोटल वर्ल्ड वाइज आठवें दिन पोनियन सेल्वन पार्ट टू 8 करोड़ 40 लाख रुपए की कमाई कर चुकी थी। नौवें दिन यानी 6 मई को पोनियन सेल्वन पार्ट टू इंडियन नेट कलेक्शन 8 करोड़ 70 लाख रुपए था। इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 10 करोड़ 25 लाख रुपए था। ओवरसीज कलेक्शन 2 करोड़ 10 लाख रुपए था। टोटल वर्ल्ड वाइज नौवें दिन पोनियन सेल्वन पार्ट टू 12 करोड़ 35 लाख रुपए की कमाई कर चुकी थी। दसवें दिन यानी 7 मई को पोनियन सेल्वन पार्ट टू इंडियन नेट कलेक्शन 9 करोड़ 70 लाख रुपए था। इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 11 करोड़ 40 लाख रुपए था। ओवरसीज कलेक्शन 1 करोड़ रुपए था। टोटल वर्ल्ड वाइज दसवें दिन पोनियन सेल्वन पार्ट टू 12 करोड़ 40 लाख रुपए की कमाई कर चुकी थी। ग्यारहवें दिन यानी 8 मई को पोनियन सेल्वन पार्ट टू इंडियन नेट कलेक्शन 3 करोड़ 8 लाख रुपए था। इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 3 करोड़ 60 लाख रुपए था। ओवरसीज कलेक्शन 1 करोड़ रुपए था। टोटल वर्ल्ड वाइज ग्यारहवें दिन पोनियन सेल्वन पार्ट टू 4 करोड़ 60 लाख रुपए की कमाई कर चुकी थी। बारहवें दिन यानी 9 मई को इंडियन नेट कलेक्शन 2 करोड़ 65 लाख रुपए था। इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 3 करोड़ 10 लाख रुपए था। ओवरसीज कलेक्शन 1 करोड़ रुपए था। टोटल वर्ल्ड वाइज बारहवें दिन पोनियन सेल्वन पार्ट टू 4 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई कर चुकी थी। तेरहवें दिन यानी 10 मई को इंडियन नेट कलेक्शन 2 करोड़ 50 लाख रुपए था। इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 2 करोड़ 90 लाख रुपए था। ओवरसीज कलेक्शन 80 लाख रुपए था। टोटल वर्ल्ड वाइज तेरहवें दिन पोनियन सेल्वन पार्ट टू 3 करोड़ 70 लाख रुपए की कमाई
कर चुकी थी। इंडियन सेल्वन पार्ट 2 13 दिन में इंडियन नेट कलेक्शन 260 करोड़ 70 लाख रुपए की कमाई कर चुकी है। इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 189 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। ओवरसीज कलेक्शन 117 करोड़ 80 लाख रुपए की कमाई कर चुकी है। टोटल पोलियन सेल्वन पार्ट 2 13 दिन में टोटल वर्ल्ड वाइज 307 करोड़ 55 लाख रुपए की कमाई कर चुकी है।